अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो परवल की सब्ज़ी, परवल परवड़ इसको कहते हैं यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में। ये देखें, ये परवल है, इसको हमने बारीक बारीक पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। इसमें सारे विटामिंस, फाइबर्स, मिनरल्स, कैल्शियम, अच्छी सब्ज़ी होती है। तो ये सब्ज़ी को हमने इस तरह से काटा है और थोड़ा सा नमक लगा के इसको हम धो लेंगे। नमक से पहले इसको मसल लेंगे, फिर धो लेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो एक कसी सॉरी एक कसीलापन, जो एक कसावट सी होती है, वो सब निकल जाती है। इसको नमक लगा के फौरन ही हम धो लेंगे। अब यहाँ पर एक मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने कच्चा नारियल लिया है खोपरा, ये देखें, और लहसुन की कलियां ली हैं 5 से 6, और 2 हरी मिर्च ली है। इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना कर लेंगे। ये मसाला सब्जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बना कर देखिएगा फ्रेंड्स। अब हमने चूल्हे पर पैन चढ़ा दिया है, ऑयल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल डाल सकते हो, 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्जी हमें पूरी ऑयल में ही बनानी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। ऑयल गरम कर लेते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने का। एक बड़े साइज का प्याज यूज किया है मैंने यहाँ पर। प्याज को हमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सा पिंक हो जाएगा तो हम दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। जो दरदरा सा मसाला हमने पीस कर लिया है वो मिक्स कर लेते हैं। प्याज को बहुत ही ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चापन बाकी रहना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए हम मसालों को प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। सब लोग अपने अपने तरीके से ये सब्जी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा। एक तो आसान है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं इसमें जाते हैं, लेकिन सब्जी बड़ी मज़े की लगती है। अच्छी तरह से ऑयल में 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी मिला दिया है और साथ ही 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि 2 हरी मिर्च हमने पहले ही मिला दी है। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, इसमें कोई और मसाले हमने नहीं मिलाए। इसमें 1 छोटा चम्मच यानी 1/2 चम्मच नमक हमने यूज़ किया है, क्योंकि पहले हमने नमक लगाकर धोया था सब्ज़ी को। अब हम सब्ज़ी मिक्स कर लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है, 6 से 7 मिनट के अंदर पक जाती है। तो मसालों के अंदर अच्छी तरह से पहले हम फ्राई कर लेंगे सब्ज़ी को। जैसे कि मैंने कहा, ये सब्जी हमें बस ऑयल में ही पकानी है। ऊपर से बस हम पानी का छींटा इस पर लगाएंगे ताकि मसाले नीचे से ना लगे, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर सब्जी पकानी है। हम इसमें मिला रहे हैं तुअर की दाल, जिसे 1/2 घंटे के लिए हमने भिगो कर रखा था। इसमें चने की दाल भी आप मिला सकते हो, बट चने की दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तुअर की दाल को हमने भिगो कर रखा हुआ था, मिक्स कर लेते हैं। दाल डालने से सब्जी और भी टेस्टी बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करके
थोड़ा सा पानी का छींटा इस पर लगाकर ढक्कन लगा के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पांच मिनट के बाद हम सब्जी को देख लेते हैं। अच्छी तरह से सारी चीजें पकी हुई हैं। देख लेते हैं कि दाल जो है इसके अंदर गली है या नहीं। अगर दाल अच्छी तरह से गल जाए तो समझ लेना कि सब्जी हमारी तैयार है। देख लेते हैं, दाल भी अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है, पकी हुई है। अब हमें सब्जी को ज्यादा नहीं पकाना है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। हल्का सा गरम मसाला इसके ऊपर हम डाल रहे हैं सब्जी में, मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी सब्जी में आ जाए। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी यहाँ पर तैयार है। अब दूसरी रेसिपी जो दाल मसाला है, मसाले वाली दाल मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ये तुअर की दाल और मूंग की दाल को मैंने आधा घंटा भिगो कर रखा हुआ था। दोनों दालें मिक्स कर बनाने से दाल बहुत मज़े की बनती है। मिक्स करके बनाएं। ये मसाले वाली दाल है, इसमें कुछ मसाले जाएंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। साथ में जाएंगे इसमें 2 हरी मिर्च तीखी वाली, और इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया और एक बड़े साइज का टमाटर। ये सारे मसाले डालकर हम दाल को अच्छी तरह से गला लेंगे। ये मसाले डालकर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, मज़ेदार दाल आपकी बन जाएगी। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 4 सीटी लगा देते हैं। चार सीटी लगाने के बाद देख लेते हैं, दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको मथनी से घोट लेते हैं, इसको और बारीक कर लेते हैं दाल को। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ये दाल पकी हुई है। और इसे घोटना भी ज़रूरी है ताकि सारे मसालों के फ्लेवर दाल में अच्छी तरह से आ जाएं। अब हम इसमें गर्म पानी मिलाएंगे, ठंडा पानी ना मिलाएं। ठंडा पानी मिलाने से कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है, तो याद रखें फ्रेंड्स, इसमें गर्म पानी ही मिलाएं, ज़रूरत के हिसाब से, जितनी आपको पतली या गाढ़ी रखनी हो। तो दाल की कंसिस्टेंसी इस तरह की हमने रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक उबाल निकाल लेंगे, दाल को और एक उबाल लेंगे, उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। एक उबाल हमने दाल में निकाल लिया है, अब तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। सिंपल तड़का होता है, बस राई डाल दी हमने, मस्टर्ड सीड्स, और एक चम्मच जीरा डाल दिया, एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा। इसको अच्छी तरह से तड़कने देते हैं। इसमें डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च तोड़कर। जैसे ही ये सारी चीज़ें ऑयल में अच्छी तरह से पक जाती हैं तो हम तड़का लगा लेंगे। चार
चलें तड़का लगा लेते हैं। एक मज़ेदार फ्लेवरफुल दाल मसाला हमारी बनकर तैयार है और उसके साथ परवल की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर से ट्राई करें। ये देखें फ्रेंड्स, दाल हमारी गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी। बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। फ़ी अमानिल्लाह।